बता दूं मैं आपको पहले, तो आपको लेफ्ट पैर क्या करेगा वो देख लेते हैं। लेफ्ट पैर क्लिस दबाएगा, क्या दबाएगा, और पूरा एंड कर देना। राइट पैर से दो काम कर रहे हैं, एक तो काम कर रहे हो एक्सीलेटर का और दूसरा ब्रेक, वो एक्सीलेटर ब्रेक और क्लिच ABC हो गया, इनका ध्यान रखना है। और AD पंजे से वर्क करना है आपने, आपने राइट में ऐसा सेट करना है कि आपकी गाड़ी दिखे और सड़क दिखे, ठीक है। फिर स्टेयरिंग राइट हैंड से यूज़ करना है, यहाँ चाबी ऑन कर लेंगे। अगर लेफ्ट करते हैं लेफ्ट का इंडिकेटर, राइट करते हैं राइट का इंडिकेटर, और यहाँ पर डीपर देते हैं और यहीं से लाइट ऑन हो जाती है और लाइट बंद, ठीक है। इतने सारे में हॉर्न है, हॉर्न देने का, यहाँ से अंगूठा दे सकते हो, ऐसे पकड़ सकते हो, ये आपका हॉर्न हो जाएगा। लेफ्ट में ऐसे सेट करना है कि आपकी गाड़ी दिखे सड़क दिखे। सेंटर बढ़िया सेट करना है, क्योंकि जो पीछे चल रहा है वो आपको लेफ्ट राइट से निकालेगा, बीकानेर में तो कहीं से निकलता है, ठीक है। अब हमारे हैंड ब्रेक खड़ी होती है बंद कार में, तो हमने जब इसको नीचे करना है तो पहले क्लिच पूरी एंड कर दो, ब्रेक ले लो और हैंड ब्रेक नीचे कर दो। गियर पे हाथ लाओ, गियर चेक करेंगे, गियर पे हाथ लाओ, एक बार आगे कर दो, कोई गियर हो गया न्यूट्रल करो, फिर पीछे कर दो और फिर आगे कर दो, ये हो गया बीच में न्यूट्रल। अब हमने क्या करना है, क्लिच से बाकी गाड़ी स्टार्ट करने की आदत डाल दिया, ठीक है। चाबी लगी हुई है, गाड़ी आगे स्टार्ट कर दो, 2-3 सेकंड के लिए आगे घुमाना चाबी, ठीक है। हाथ पोजिशन लेफ्ट करना है और आगे ढकेल देना है, ये हो गया, हमने L बना दिया। अब देखो बिना रेस के गाड़ी चलवाऊंगा, AD आपकी दबी रहेगी, पंजा हल्का सा ऊपर लेना, क्या लेना है, सेट करो एक जगह पंजे को। जैसे आपका पंजा सेट हो जाएगा, गाड़ी की 10 की रेस में धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देगी। सड़क पर चढ़ने की जल्दबाजी नहीं करना है, राइट में देखना है और धीरे धीरे सड़क पर आते जाना है, और क्लिच को पूरा छोड़ देंगे, पूरा छोड़ दो क्लिच। अब हमने क्या करना है प्रतिमा जी, रेस बढ़ाना है 20 का, कितना बनाना है 20 समय लेके, तो उसके लिए हमने मीटर देख लेना है, हाथ हल्का रखना है आगे चाचा को देखते हुए, रेस को छोड़े क्लिच और लेफ्ट वाला पैर, और दो बार पीछे झुका के एक दो कर दो, एक बार और करो, हल्का हल्का रेस क्लिच छोड़ते हो, रेस बनाए रखेंगे क्लिच पूरी छोड़ देंगे। लेफ्ट देखना है, सेंटर देखना है और राइट देखना है, रेस मेंटेन रखना है, हाथ हल्का रखना है, अपने कंट्रोल में गाड़ी चलती है। हमने क्या है माहौल को पढ़ने की आदत डालनी है, माहौल पढ़ लेंगे तो लोग हमें अखबार में नहीं पढ़ेंगे। रेस मेंटेन करके हाथ हल्का रखते हुए गियर के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, रेस का यूज़ करना है, रेस बना रखो हाथ हल्का रखो। और आज हम सिर्फ फर्स्ट सेकंड गियर में चलाएंगे, वो बचेगा, बना रखो रेस, चलते रहो रेस मेंटेन करके। तो गाड़ी में हमने क्या है स्टार्टिंग इतनी अच्छी रखनी है कि हमारी गलती ना हो, जितना अच्छे से हम काम स्टार्टिंग करेंगे उतना बढ़िया हमारा क्या कहता है और गाड़ी में काम कर सकते हैं। सेम ऐसे उठानी है गाड़ी को, रेस मेंटेन रखो, हाथ हल्का रखो, यहाँ गाड़ी खड़ी करवा रहा हूँ, पूरा क्लिच दबाओ और ब्रेक और न्यूट्रल कर दो आगे, बस ठीक है। रेस मेंटेन करते हुए हाथ हल्का रखते हुए रोड के लेफ्ट लेफ्ट चलेंगे, लेफ्ट हमने पूरा कवर कर रखा है। तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है, सेंटर मिरर देखना देखो आपको, और वो राइट वाला मिरर देखना, जो आपके पीछे चल रहा हो और सेंटर से पता चलेगा और बंदा आपके राइट से ओवरटेक करेगा, आगे से गाड़ी आए चाहे लेफ्ट से ओवरटेक करे, आपको हल्का सा अपनी साइड दबाना है। गियर का ध्यान रखना, जब फर्स्ट गियर है तो रेस 0-20 की रहती है, सेकंड गियर है रेस रहती है 20-30 की, और मार्केट में आपकी फर्स्ट सेकंड गियर में ही गाड़ी चलेगी। रेस मेंटेन करें, हाथ हल्का रखे चलते रहो, जैसे ही आपका बैलेंस बन जाएगा तब आपके थर्ड फोर्थ गियर भी काम करने लगते हैं। रेस बना के सिया चल रहे हैं, सिया चल रहे हैं, रेस मेंटेन करके सामने ब्रेकर तो हल्का सा क्लिच ब्रेक, फिर ब्रेक छोड़ेंगे हल्का हल्का रेस, कंट्रोल वाली रेस लेते हुए। कैसे लग रहा है मैम आपको, आप भी चला रहे हैं पहला दिन है, रेस मेंटेन करके हाथ हल्का रखते हुए। तो जिस तरह से जंगल में शेर नहीं नाचता, सर्कस में नाचता है, तो कलाकारी शेर में नहीं है, रिंग मास्टर उसको नचाना कैसे है, ठीक है। आपने मेरा जो मेथड है कि एक तो नॉन स्टॉप बोल के सिखाता हूँ, दूसरा कि रोज़ के रोज वीडियो बना के हम काम कराते हैं, हल्का सा क्लिच ब्रेक करेंगे, फिर धीरे से ब्रेक छोड़ देंगे और वापस हल्का हल्का रेस लेंगे, और जैसी रेस मिल जाएगी क्लिच छोड़ते आएंगे। तो यहाँ हमें फर्स्ट गियर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सेकंड गियर में कंट्रोल कर लिया। रेस मेंटेन करके हाथ हल्का रखते हुए आप सर मेरे को 5 दिन दो, 5 दिन बाद आप कहेंगे सर मेरे पैर सेट हो गए, जो चीज़ आपकी कमी है वो मैं आपका दुरुस्त करा दूँगा, ठीक है। लेफ्ट संभाल के चलते रहो। करेंगे प्लस का निशान बनाएंगे, जो मैं डायरेक्ट लाइन कर रहा हूँ ये न्यूट्रल की लाइन क्या है। अगर आपका गियर ऐसे खड़ा रहे, ऐसे गियर माउंट पर खड़ा रहता है, अगर आपने जस्ट सीधा किया तो थर्ड जाता है, फिर न्यूट्रल, फिर फोर्थ। तो जैसे किया यहाँ गया थर्ड, ये यहाँ गिरारी होती है, ये गया फोर्थ, कौन सा गया,
फुट फर्स्ट लगाना है हमने, तो आपको लेफ्ट चल के आना है और थोड़ा सा आगे करना है। क्या करना है? यहाँ हो गया फर्स्ट, कंपनी ने सेकंड यहाँ पे दिया है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इधर, सिक्स गियर भी आ चुका है और पुरानी गाड़ी में रिवर्स यहाँ पे है। अब आप फर्स्ट में जाल चले गए तो यहाँ शर्त होती है कि यहाँ रेस आपकी 0 से 20 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0 से 20। अगर आपने सेकंड में जाना है तो यहाँ झुकाना है, इसी लाइन पर चल के आना है, लेफ्ट और लेफ्ट। सेकंड हो गया, यहाँ शर्त क्या होती है? रेस रही है आपकी 20 से 30 तक। कितना? 30 तक। आप इससे तेज चला रहे हैं या फिर आपका माहौल 20-30 का ही है, तो आपने क्या रखना है? यहीं पे बनाए रखना है। आगे न्यूट्रल करना है, झुका के फोर्थ थर्ड, कौन सा आ गया? थर्ड। सेकंड से कैसे गए? दोबारा देखो, ये गया और ये और ये, थर्ड में चले गए। यहाँ रेस कितनी रहेगी? 30 से 40। कितना? 30 से 40। आप इससे बढ़िया माहौल में पहुँच गए और 40 से तेज चलाना चाहते हैं, तो आपने सबसे सरल गियर थर्ड से फोर्थ होता है, न्यूट्रल और ये फोर्थ। यहाँ रेस रहेगी आपकी 40 से 50। कितना? 40 से 50। इससे तेज चलाना, हाईवे पर चढ़ गए तो रिवर्स ये करना है आपने, न्यूट्रल झुका के पाँचवा। देखो सेकंड से थर्ड लगाना और चौथे से पाँचवा लगाने के लिए हाथ सेम चलता है। यहाँ क्या रेस रहेगी? 50 से 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, अब ध्यान कर रखना रोड का। रोड अगर सिंगल है तो गाड़ी आपकी रोड के लेफ्ट ही लेफ्ट चलेगी। कहाँ चलेगी? अगर लेफ्ट टर्न करना है तो छोटा मोड़ करते हैं। क्या करते हैं? छोटा मोड़। क्रॉसिंग हो सकती है कोई, नहीं भी हो सकती है। जब राइट जाना है तो आपने यहाँ बड़ा मोड़ करके इधर चले जाना है। क्या चलना है? मतलब राइट के लिए बड़ा मोड़, लेफ्ट के लिए छोटा मोड़। ठीक है, इसे हम करके दिखाएंगे अभी। ठीक है, बोनट के अंदर 3 उंगली डालना है और बोनट को उठा देना है, स्टैंड लगा दो। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या हैं जो हम खुद से रख सकते हैं, बाकी तो हमने सर्विस करानी है टाइम टू टाइम। 3 सर्विस कंपनी फ्री देती है, उसके बाद आपने 8,000 से 10,000 किलोमीटर के अंदर सर्विस करानी है। यहाँ होता हमारा रेडिएटर, रेडिएटर में एक्स्ट्रा पानी यहाँ पे जहाँ से आता है। ठीक है, रेडिएटर में पानी करवाओ, रेडिएटर साफ़ करवा के जब सर्विस करवाते हो साफ़ करवा के कूलेंट और डिस्टल वाटर भरवाना है, और एक्स्ट्रा बॉक्स यहाँ पे होता है, इसमें पानी रहता है। ठीक है, अभी है इसके अंदर, तो ये जैसे जैसे यहाँ वर्न होता रहता है वैसे वैसे पानी इसमें आता रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे अपना ध्यान रखना है, नंबर एक काम। दूसरा काम क्या है? बैटरी के तार आपके लूज नहीं होने चाहिए। अगर गाड़ी जंग बैटरी जंग खा रही है तो इसमें ग्रीस लगा के टाइट करके दोबारा से लगा देना है। ठीक है, तो बैटरी की लाइफ बनी रहती है। अगर आप 1.5-2 महीने के लिए गाड़ी खड़ी कर रहे हो तो बैटरी के ये टर्मिनल खोल के रख देना, तो बैटरी की लाइफ ख़राब नहीं होगी। ठीक है, और हमने ध्यान क्या रखना है? जब सर्विस कराते हो इंजन ऑयल इसमें डलता है, उसके साथ ही आपने फ्यूल फिल्टर चेंज करवाना, मिस्त्री खुद कर देते हैं। ठीक है, फिर भी आप अपना ध्यान रखो। यहाँ पर फिल्टर होते हैं हर गाड़ी में जी, यहाँ से फिल्टर साफ करो, कंडीशन ख़राब है तो नया डलवा लो। ठीक है, उसके बाद ब्रेक ऑयल, जिसके द्वारा ये अभी तक फुल हो रखा है, फुल यहाँ खाली होता है, यहाँ निशान आ जाते हैं खाली होते हैं, फुल है तो ब्रेक नहीं लगती है ब्रेक ऑयल से। और हमने क्या ध्यान रखना, देखिए अपना ये वाइपर पानी ये भरा के रखो, इसमें हल्का सा आधा चम्मच सा शैम्पू या हल्के उस कम मात्रा में जिस चीज़ से साफ होते रहें उसका ध्यान रखो। तो जब गाड़ी ठंडी होती है तब हमने गाड़ी का ऑयल चेक करना है, निकाल लो आप। अगर ज़्यादा दिन गाड़ी को सर्विस हो गए तो इसको गेज निकालना है, और यहाँ पे देखो पॉइंट बने हुए हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट तक आपका ऑयल होना चाहिए, ये देखो 2 पॉइंट तक ऑयल है, और इसकी मात्रा चेक करो। अभी मतलब सर्विस नहीं मांग रहा, गाढ़ा हो जाए काला हो जाए तब हमने गाड़ी की सर्विस करा लेना, मिस्त्री को दिखा देना। ठीक है, और अपना वापस लगा दो। ये करना है आपने ठंडी गाड़ी में, गर्म गाड़ी में ऑयल घुमा होता है। ऑयल हमारे देखो ब्रेक ऑयल हो गया, गियर ऑयल हो गया, एक गियर ऑयल होता है वही मिस्त्री चेक करा लो, और एक इंजन ऑयल होता है। ठीक है, फिल्टर हमारे एक ये फिल्टर हो गया और इंजन ऑयल फिल्टर हो गया, और एक हमारा एसी फिल्टर होता है, उसकी क्वालिटी देख लो। अगर चेंज कराने जरूरत हो तो चेंज कराओ, साफ करके काम चल सकता है तो साफ करके चेंज कराओ। मतलब कुछ चीज़ें जो आपने खुद से घर पर ध्यान रखना है, बाकी के अपने मिस्त्री के पास नॉलेज लेते रहना है। ठीक है, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है, वो क्या है? गाड़ी के स्पेशलिस्ट। हम तो सिर्फ नॉर्मल ध्यान रख सकते हैं जिसके इमरजेंसी में अपना काम निकाल सके, क्योंकि आप अपना ध्यान नहीं रखोगे गाड़ी कहीं और धोखा दे सकती है। और एक चीज़ और है, यहाँ पे एक इंजन की बेल्ट होती है,
बेल्ट की मात्रा यहाँ पे देख लो, वो सिर्फ मिस्त्री बता सकते हैं क्वालिटी कैसी है। आपको लग रहा उन मिस्त्री को समझ में आता ख़राब है तो आप उसको चेंज करा लो, ज़्यादा की होती नहीं है, पर इस चीज़ से गाड़ी की लाइफ बनती है। इन चीज़ों की, इन चीज़ों को ध्यान रखो, टाइम टू टाइम सर्विस करो, ठीक है। एक स्पेशल बात और ध्यान रखना कि जो इंजन ऑयल जो चेंज करते हैं हर 10,000 किलोमीटर के हिसाब से चेंज करते हैं, पर 20,000 किलोमीटर पर अपने इंजन ऑयल को फ्लैश करो, ठीक है, उससे कि इंजन की लाइफ बनी रहती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थोड़ी ड्राइविंग की तरफ, ठीक है। बंद कर दो स्टैंड, वहाँ से बंद कर दो और ऊपर से इसको छोड़ दो, छोड़ दो, ये हो गया बंद। मैं यू टर्न मारना सिखा रहा हूँ, तो हमने क्या करना है, इंडिकेटर नीचे मारना राइट के लिए और फर्स्ट गियर लगा लेना। क्या लगाना है? ब्रेक में पैर राइट में देखते हुए, और जब आपको डिवाइडर निकल जाएगा तब आपने राइट में घुमाते आना। क्या करना है? राइट पॉन देखते हुए घुमाते आओ, जब लगे कि सड़क पर गाड़ी सीधी होने वाली है तब रोड के लेफ्ट आ जाना है, लेफ्ट से ही गाड़ी वापस लेफ्ट आ जाना। एक बार और दिखाता हूँ, रेस बढ़ाओ, बढ़ा कर रखो रेस, चलते रहो। जब भी यू टर्न मारेंगे गाड़ी आपकी लेफ्ट होनी चाहिए, जिससे कि आप इजी घुमा के गाड़ी को टर्न कर सकें। राइट में जाना है हमने, इसलिए राइट का इंडिकेटर दे देना है और डिवाइडर का वेट करना। क्या करना है? डिवाइडर तुम्हारी सीट में आने चाहिए, नीचे मारो डिवाइडर, जब तुम्हारी सीट में आएगा और आगे जान दो, ये हमारे सीट में आने वाला है, तब हम राइट में देखते हुए घुमाते आएंगे, कंटिन्यू घुमाते आएंगे और उतना घुमाएंगे क्लच ब्रेक के द्वारा कि गाड़ी आपकी रोड के लेफ्ट पहुँचे। बिना रेस के काम करते हैं यहाँ पे हम, और लेफ्ट ही पकड़ना है, लेफ्ट से घुमाया और गाड़ी को लेफ्ट ही लेके जाना है। एक बार वापस और देख लो, रेस मेंटेन करो, हल्का हल्का बना कर रखो रेस, लेके चलो। यू टर्न पर स्पेशल ध्यान रख क्या रखना, सेकंड में जाना है तो हल्का क्लिच और ब्रेक पर पैर रोना चाहिए, तो सेकंड में काम कर सकते हैं, या फिर सेकंड में नहीं कर पा रहे हो भीड़ वगैरह है तो फर्स्ट गियर सबसे बेस्ट है। अब जो डिवाइडर का कॉर्नर आ रहा है वो आपके ड्राइवर यहाँ सीट में आने चाहिए हमारे, जैसे हमारी सीट में आएगा अभी आने वाला, रुको इंडिकेटर मार के अब हम घुमाते आएंगे, जैसे हमारी सीट में आ गया घुमाते आएंगे कंटिन्यू, आगे वाली गाड़ी को देखे दूर है बाइक, और पहुँचना किधर है, रोड के लेफ्ट, कहाँ पहुँचना है, और रोड के लेफ्ट ही आपने सीधा करना है और रेस मेंटेन करना है, सीधा सीधा चलते रहना। ये हो गया यू टर्न का तरीका, ठीक है, सीधा सीधा चलते रहो। इस बार हम लेफ्ट में जा रहे हैं, इंडिकेटर ऊपर दे दो, लेफ्ट जब जाना है तो बिल्कुल छोटा मोड़ करके, जैसे मैंने बोला है, ये पॉइंट देखते हुए लेफ्ट बोनेट का और लेफ्ट में देखते हुए, तब हमने क्या करना है, लेफ्ट आते जाना, जब लगे हमारी गाड़ी पूरी दीवार के पास जा रही है तब इस बोनेट को हम सीधा करते आएंगे और रोड के लेफ्ट ही चलेंगे। अब राइट जाना, राइट में ध्यान कर रखना, राइट इंडिकेटर नीचे दो और दीवार के कॉर्नर को देखेंगे, वो हमारी सीट में आनी चाहिए, किस में आनी चाहिए, जैसे हमारे इस मिरर के स्टेयरिंग के सीट में आएगा तब हम राइट वाले पॉइंट को देख के बोनेट के को घुमाते आएंगे, बड़ा मोड करते आएंगे, जब लगे हमारा राइट वाला पॉइंट सीधा होने वाला है तब गाड़ी को रोड के लेफ्ट रख लेंगे। एक बार वापस से फिर देखो, रेस मेंटेन करके चलो, आगे से फिर राइट जाएंगे, इंडिकेटर नीचे दो, जब जब राइट जाना है तो गाड़ी रहेगी लेफ्ट, कहाँ रहेगी, पूरा लेफ्ट रखते हुए गाड़ी को इधर करना है, ब्रेक पर पैर लेना है, फिर राइट का कॉर्नर देखना है दीवार का, जैसी कॉर्नर हमारी स्टीयरिंग के सीध में आता है तब हम राइट में घुमाएंगे बड़ा मोड करके, और बोनेट का कॉर्नर देखेंगे, 20 सड़क से ज़्यादा राइट जा रहा है तब सीधा करते आएंगे और रोड के लेफ्ट रखेंगे। अगेन रोड का लेफ्ट देखो, इंडिकेटर ऊपर दो, लेफ्ट मतलब गाड़ी पूरी लेफ्ट, लेफ्ट के लिए छोटा मोड, राइट के लिए बड़ा मोड, ठीक है। लेफ्ट पॉन देखते हुए और लेफ्ट मिरर देखते हुए बोनेट का लेफ्ट कॉर्नर देखते हुए छोटा मोड करते आएंगे, सड़क पर नहीं चढ़ते हम, पहले हम सड़क के किनारे पर रखते हैं लेफ्ट में, फिर गाड़ी को सीधा करते आते हैं और गाड़ी को लेफ्ट रख के ही सीधा सीधा चलते रहते हैं और माहौल बनाते हुए सेकंड थर्ड फोर्थ गियर यूज़ कर लेते हैं, रेस मेंटेन करते हुए सीधा सीधा चलते रहो। ये था हमारा लेफ्ट राइट टर्न करने का तरीके। क्या डिवाइडर कवर कर लिया, तो डिवाइडर का काम समझना है, जब आप राइट साइड कवर कर लेंगे तो राइट वाला मिरर देखने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है सेंटर और लेफ्ट, जो आपके पीछे चल रहा है वो बंदा कहाँ से निकलेगा, लेफ्ट से, जैसे अभी वो बाइक वाला ओवरटेक करके गया हुआ है। रेस मेंटेन करके माहौल के हिसाब से, अब जब भीड़ में काम करते हैं गाड़ी पे, तो हमने जब फर्स्ट गियर में तो 15 कदम पीछे होना चाहिए, सेकंड गियर लगा रखा है तो रेस आपकी कितनी होनी चाहिए, 30 कदम या 25 कदम पीछे, जिससे कि आगे वाली गाड़ी आपसे ना टकराए। रेस मेंटेन रखना, हाथ हल्का रखना है डिवाइडर के पास, बना तो हल्का सा लेफ्ट करो, हल्का सा लेफ्ट, फिर राइट कर लो, वहीं आपने बैलेंस को संभालना है, फिर सीधा कर लेंगे आगे गाड़ी पीछे, गाड़ी स्लो करो, एक बार स्लो करो,
वापस हल्का हल्का रेस, जब गाड़ी लगे ओवरटेक करने वाली उस टाइम हम क्या करेंगे, हल्का सा स्लो कर लेंगे, रेस मेंटेन करके आगे वाली गाड़ी से दूरी मेंटेन करो। और गाड़ी के सामने ब्रेकर आ रहा है, हमें दिख गया है, आज अगले से ब्रेक सेट करेंगे ब्रेकर के लिए। अब ऐसी ब्रेक रहेगी धीरे धीरे, जैसे ही पास पहुंचने वाले तब ब्रेक छोड़ेंगे, और ब्रेक छोड़ने के बाद पहले रेस उठाएंगे, आप क्या करेंगे, और जैसी रेस बनाएंगे इसलिए छोड़ जाएंगे। तो हम वापस हमने सेकंड गियर में ही काम कर लिया। सबसे ज़्यादा आपकी जो गाड़ी चलेगी सिटी वगैरह में आपके क्या है, सेकंड गियर में चलेगी। रेस मेंटेन करके हाथ हल्का रखते हुए डिवाइडर के पास काम समझते हुए, आगे स्कूल है, आगे से ऑटो भी आ रहा था, वो खड़ा रह गया सामने, फिर ब्रेक करा के हल्का क्लिच ब्रेक, धीरे से ब्रेक छोड़ देंगे, हल्का हल्का रेस रखेंगे। तो हमने क्या माहौल पढ़ना है, माहौल के हिसाब से गियर समझना है कौन सा गियर लगा सकते हैं, और गियर के अकॉर्डिंग रेस का ध्यान रखना है। आपको कॉपी में ड्रॉ करके भी सिखाया मैंने, और आपको रोज रोज बोल बोल के भी सिखाया जा रहा है। स्लो करो हल्का सा, फिर राइट में देखो, यहाँ डिवाइडर खत्म हो गया था, कवर कर लेंगे और डिवाइडर के पास धीरे धीरे चलते रहेंगे, कोई दिक्कत है काम समझने में। और आज भी हम फर्स्ट सेकंड में काम करेंगे, हाथ हल्का रख के चलो, काम समझ में आ रहा है, यस गुड। रेस मेंटेन करके सीधा सीधा चलते रहिए। अगेन ब्रेकर आ गया, हल्का क्लिच ब्रेक, धीरे से ब्रेक छोड़ेंगे, पहले रेस लेते हैं फिर क्लिच को छोड़ते हैं, फिर डिवाइडर कवर कर लेते हैं, ठीक है, चलते रहो। मेंटेन करके हाथ हल्का रखते हुए आज भी हम क्या करेंगे, रोड के लेफ्ट चलाएंगे, ठीक है। अब राइट से ऑटो को ओवरटेक करके गए, जैसे ही हमारे सामने 20 कदम बाद आ गया जाएगा तब हमने उसकी चिंता करनी है। तो हमारा एम क्या है कि हमने ये लेफ्ट कवर कर लेना है, राइट में से राइट नहीं जाना है, सेंटर में ज़्यादा देखना है और राइट देखना है, क्योंकि जो आपके पीछे चल रहा है वो आप कहाँ से निकलेगा, राइट से निकलेगा। रेस मेंटेन करके हाथ हल्का रखते हुए वीडियो दिखा रहे हो अपनी सासू माँ जी को, कैसे बता रहे हैं कि दिखाई नहीं अभी तक, दिखाना है, उनका हौसला जो उन्होंने कहा था और बढ़ जाएगा, जो विश्वास आपके ऊपर लगाया है। रेस बना के हाथ हल्का रखते हुए लेफ्ट लेफ्ट चलते रहेंगे, और अपनी ड्राइविंग रोज की रोड पर ही रहेगी, भीड़ में एक भी दिन हम क्या है खुले में नहीं चलाएंगे। तो हम सेकंड गियर में चल रहे हैं, उसकी रेस हमारी 20 से ऊपर आनी चाहिए। यहाँ भी हमने क्या करना है, वाइट पट्टी के लेफ्ट 20 से ऊपर आ रही है, बढ़िया रेस मेंटेन आ रही है। ऑटो खड़ा बीच रोड पर हल्का सा, तो राइट में देखो, अभी से थोड़ा थोड़ा राइट जाओ, सीधा चलेंगे हम रामपुरा की तरफ, सीधा चल रहे हैं, रेस बनाए रखो, हाथ हल्का रखो। तो यहाँ हमने क्या किया है, इस रोड के लेफ्ट साइड हमने पकड़ रखा है, कंट्रोल करके हाथ हल्का रख के, कैसा लग रहा है आपका ड्राइविंग, बढ़िया लग रहा है पहले दिन से। तो रोज़ हम क्या धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे, एक दिन तो कुछ नहीं होता, धीरे धीरे रोज़ इंप्रूव करेंगे, फिर लेफ्ट आ जाएंगे। हमने क्या अलाइनमेंट सेट करना है स्टेरिंग का, तो राइट हैंड आपका वहाँ सेट है और लेफ्ट हैंड आपका यहाँ साइड है। रेस मेंटेन करके धीरे धीरे सामने वाली गाड़ी से दूरी मेंटेन करके, फर्स्ट गियर में तो वही 15 कदम पीछे, सेकंड गियर में 20-25 कदम पीछे, जैसा कि हमें आगे वाली गाड़ी से स्पेस मिलता रहे बचाने के लिए, बहुत बढ़िया। फिर हल्का सा क्लिच ब्रेक करो, ब्रेक करें तो बहुत हल्का सा क्लिच ब्रेक किया है, ऑटो आपके राइट से निकल रहा है, जाने दो उसको। तो जब गाड़ी ओवरटेक करते उस टाइम क्या करना, हमने हल्का स्लो कर लेना है, और फिर रोड के लेफ्ट ही लेफ्ट आपने कवर करके चलते रहना, हाथ हल्का रखो और हल्का लेफ्ट संभालो, आ जाओ लेफ्ट आ जाओ, बहुत बढ़िया, फिर सीधा कर लो और सीधा सीधा चलते रहो। जैसे हम गाड़ी में बैठेंगे तो गाड़ी में सबसे बैठ के देखो, सबसे पहले जिन गाड़ी पर नंबरिंग होती है वो होती है गियर वाली कार, ये प्लेन है, साइड में लिखा रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव मोड ऑटोमेटिक कार, तीनों मिरर सेट कर लो। अब इसमें क्या क्लिच नहीं है, क्या नहीं है, ये म्यूजिक स्टूडियो आ गया, आपके ए सी यहाँ तक ठंडा रहता है, यहाँ से गर्म रहता है ठंडा, ये नंबरिंग कितनी, तो यहाँ पर स्टूडियो हो गया, ए सी वेंट हो गए, ये पार्किंग लाइट, बारिश में आंधी में तूफान में चारों लाइटें जलती हैं, इसे आप यूज़ कर सकते हैं, अभी बंद कर देते हैं फिलहाल। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या नहीं है, क्लिच नहीं है, क्या नहीं है, ब्रेक और रेस है, तो ब्रेक दबा के गाड़ी स्टार्ट करनी है। ब्रेक दबाओ, हैंडब्रेक नीचे कर दो, बिना हैंडब्रेक नीचे किए गाड़ी नीचे लानी, अंगूठे से दबाओ, उठा के नीचे कर दो पूरा, ठीक है, चाबी ऑन करो, एक बार एन लिखा हुआ आना चाहिए यहाँ पे, एन आ रहा है, यस सर, यहाँ भी एन पे ही है, तो ब्रेक दबाओगे स्टार्ट करो, बिना ब्रेक दबा के स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट करो, अभी स्टार्ट। अब आपने क्या करना, ब्रेक दबा के गियर लगाना है, वन टाइम डी मोड कर दो नीचे, वन डी आ गया, अब ब्रेक छोड़ने झटके, छोड़ दो ब्रेक को और गाड़ी अपने आप चलेगी, छोड़ो ब्रेक। तो ये गाड़ी 10 की रेस में धीरे चलने लग गई लेफ्ट लेफ्ट, रेस बढ़ेगी आपने हाथों और सेकंड गियर आ गया, क्या आ गया, सेकंड गियर, तो रेस बढ़ेगी तो गियर बढ़ेंगे, रेस कम होगी तो गियर कम हो जाएंगे, इसमें ध्यान क्या रखना, लेफ्ट चल रहे तो लेफ्ट चल रहो, और जैसे मौका मिल जाएगा डिवाइडर का
तो हम क्या करेंगे, डिवाइडर का पकड़ लेंगे। कोई है पीछे? ऑटो चल रहा है, रेस बना रखो तो लेफ्ट चलते रहो, बार बार लेफ्ट देखो, सेंटर देखो, राइट देखो, अपने आप को अलर्ट रखो, रेस बढ़ाओ थोड़ा सा। ऑटो पीछे पर एक तेज आ रहा है, इसको जाने दो। जैसे वो निकलेगा पीछे देखो, बनाए रखो रेस, चलते रहो। तुमने फुल डिवाइडर कवर कर रखा है, तेज करके निकाल दो, जगह दे रहा हूँ हमें। चलो तो हम मीटर पे देखेंगे, हमारा गियर थर्ड आ चुका है। कौन सा आ चुका है? थर्ड। और फोर्थ आ गया। अब तो रेस मेंटेन करके हाथ हल्का रखते हैं। क्या आपने गियर वाली कार पहले दिन चलाई थी चौथे गियर में? अभी उसका फर्स्ट सेकंड गियर क्लियर नहीं हुआ है। रेस बना के हाथ हल्का रखे, तो इसको चला डाला लाइफ जिंगल डाला। इसमें पेट्रोल की खपत कम होती है, क्लिच प्लेट के बारे में इतनी चिंता नहीं करनी है, गियर कौन सा लगाना है उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, गियर निकालना कितना है उसके बारे में नहीं सोचना है। रेस बढ़ेगी तो गियर बढ़ेंगे, रेस कम होगी तो गियर कम हो जाएंगे। रेस बनाए रखो, चलते रहो, बहुत बढ़िया। तो ऑटोमेटिक कार में आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया, गुड। रेस मेंटेन करके हाथ हल्का रखते हुए, विदाउट एनी टेंशन। हाँ, इसमें टेंशन नहीं है, डिस्पेंड की जरूरत नहीं है आपने। गुड, डिवाइडर पकड़ रखा है तो उसका हम फुल फायदा उठा रहे हैं। यस सर। रेस मेंटेन करके हाथ हल्का रख के सामने और सब्जी मंडी रोड पर जाएंगे, चौथे गियर में। 50 की रेस नहीं बड़ी, सिटी के अंदर चौथे गियर में चला रहे हो, आपके बच्चे की जान लोगे, इतनी बड़ी गाड़ी बढ़िया चला रहे हो। लेफ्ट देखो, सेंटर देखो, अपने आप को अलर्ट रखो, बहुत बढ़िया। हल्का हल्का जैसे ब्रेक लोगे, गाय आ रही है सामने, हल्का हल्का ब्रेक लेते जाओ, लेते जाओ ब्रेक, लेते जाओ, अभी से ब्रेक छोड़ दो हाथों हाथ। तो मीटर पे देखेंगे गियर कौन सा आ गया, सेकंड आ गया। तो इसमें बस इतना है कि रेस बढ़ा रहे हो जरूरत के हिसाब से, रेस कम रहे हो स्कूटी में जैसे जरूरत के हिसाब से। आप जरूरत के हिसाब से काम करो, आगे वाली गाड़ी से डिस्टेंस मेंटेन करो, आप आराम से सेफ चलते रहेंगे, ठीक है? बढ़ा रखो रेस, लेफ्ट लेफ्ट चलते रहो। फिर आपका थर्ड गियर आ गया, क्या गया? थर्ड गियर। तो बस इतना ही है इसमें, आगे गाड़ी चल रही है, स्लो करते जाओ। जानवर के हमेशा पीछे से जाना है, क्या करना है? वो तो चारे के तलाश में निकल चुका है। ब्रेक छोड़ो, रेस बनाए रखो और लेफ्ट लेफ्ट चलते रहो। कोई दिक्कत काम समझने में? क्लियर है। रेस मेंटेन को आगे गाड़ी को देखो कहाँ से निकाल के ला रहा भाई साहब, ये देखो इंडिकेटर भी कैसा दे रहा है। करना क्या चाहता है? कंट्रोल करके धीरे चलते रहो, हाथ हल्का रख के। 30 की रेस आ गई है, अब क्या करना, रेस को छोड़ना है। क्लिच दबाओ नीचे, बड़े प्यार से आगे न्यूट्रल करो, एक बार और कर दो, रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ते हो। ये आ गया थर्ड गियर, क्या आ गया? अब समय लेके आपने 40 की रेस बनानी है। लेफ्ट देखो, सेंटर देखो, 40 की रेस होगी। रेस को छोड़ो, क्लिच दबाओ पूरा, दो बार पीछे कर दो गियर पीछे, रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ते हो। ये आ गया चौथा गियर। जिस गाड़ी में पाँचवा गियर टॉप है तो उसके लिए आगे राइट करना है, न्यूट्रल करके राइट करना है, तो 50 की रेस में पाँचवा गियर लगता है। और जिस गाड़ी में छठवा गियर है उसमें पाँचवें के पीछे राइट में झुका के 60 की स्पीड पर गियर लगेगा आपका। रेस मेंटेन रखो, हाथ हल्का रखो, जैसा आपका कंट्रोल हो वैसे आपने गाड़ी चलानी है। डिवाइडर कवर कर रखा है तो डिवाइडर के पास चलानी है, और लेफ्ट चल रहे हो तो लेफ्ट साइड चलानी है। सिटी में आपकी कितनी स्पीड आ रही है? 60। रेस बना रखो, हाथ हल्का रखो, जैसा कंट्रोल हो वैसे काम करना है। बस और ट्रक वालों का हॉर्न मारना है। गली मोहल्ले में बंदा जब थुकता क्या होता है, गाड़ी को स्क्रैच आता है। हाईवे में बंदा थुक गया तो पूरा क्या होता है, इंसान को स्क्रैच आता है। डॉक्टर डायलॉग मारता है दबंग वाला, तुम्हें कहाँ से फाड़े और कहाँ से चले। रेस बनाए रखो, लेफ्ट भी देखो, सेंटर भी देखो, आगे देखो, एक्सपीरियंस शेयर करो, कैसे लग रहा है आपको? कितने दिन हुए हैं? 5वें दिन है आज, क्या है? तो रेस बना रखो, हाथ हल्का रखो, सिया सिया चलते रहो। तो ये आप आए थे प्रथमा नाम सिया साहब, और आप आए थे कितने, 11 को, कितने को? आज 1, 2, 3, 4, 5, 16 तारीख हुई है, और आप टॉप गियर में गाड़ी को चला रहे हैं। रेस बना के हाथ हल्का रख के चलते रहिए, और बीच बीच में क्या बोल देना, सर आप अच्छा गाड़ी सिखाते हैं, अच्छा लगता है। आप अच्छा ही सिखाते हैं।
चलते रहिए। मैं खुद ऑकवर्ड फील कर रही, बार-बार अच्छा-अच्छा बोले सर बोले बस का बात नहीं। तो सारा खेल क्या है, कंट्रोल क्या होता है, क्या होता है और मार्गदर्शन का होता है। जैसे महाभारत में मार्गदर्शन थे, पांडवों के कृष्ण भगवान और कौरवों के शकुनी मामा, तो जो जिसकी मार्गदर्शन में चला वो उसको वैसा लक्ष्य मिल गया। रेस बना रखो, सी एस चलते रहो, बढ़िया रहे सारी सिटी के हिसाब से। तो हमने डिवाइडर कवर करके रखना है, ठीक है। एक ब्रेक पर पहल होगा हल्का, एक बार ब्रेक छोड़ो, हाथ हाथ रेस ले लो और जैसे रेस लेंगे फिर चलते रहेंगे। बहुत बढ़िया, डिवाइडर मत छोड़ना, रेस मेंटेन करके हाथ हल्का रखते हुए आगे वाले बच्चों को देखेंगे, राइट भी देखो। और जैसे ही स्पेस बनेगा तीसरी की रेस के लिए, और तीसरी रेस बन चुकी है, रेस छोड़ के क्लिच दबाओ, आगे न्यूट्रल करो, थर्ड लगा रहे हैं, रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ते हो। तो यार रेस बढ़ाते आएंगे हाथ हल्का रखते हुए। ये आ गया आपको बजरंग दोहरा, आप आते होंगे? नहीं, नहीं आते। बना रखो रेस, कोई बात नहीं। अब समय का वेट करेंगे चौथा गियर लगाने के लिए, चाचा को जाने दो, स्लो करो। अब कल क्या हो रहा था कि हमारे पास डबल रोड था, क्या था, आज सिंगल रोड है। जो भी अभी आपको ओवरटेक करेगा राइट साइड से करेगा, तो आपने क्या कर देना, सेंटर देखो और राइट देखो, जैसे बाइक वाला जा रहा है। तो कल हम डिवाइडर चल रहे थे, लोग आपको लेफ्ट से ओवरटेक कर रहे थे, तो आपका लेफ्ट साइड उस टाइम सेव हो रहा था अपनी मर्जी से, और राइट अभी इस टाइम हो रहा है। रेस बनाए रखो रेस। जो भी आपको ओवरटेक करेगा पीछे से, वो एक दो फुट दूर होके करेगा, मतलब आप दोनों साइड से सेफ हैं। क्लिच नीचे दो और पीछे, गियर चौथा लगा लो, रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ते हाथ हल्का रखो, आगे से बस आ रही है। तो सिंगल रोड में दिक्कत क्या आती है कि गाड़ियाँ सिंगल रोड पे ही हैं तो एक साथ दबाते चले जाते हैं। आपने आगे वाली माहौल को पढ़ के जरूरत पड़ेगी तो नीचे भी उतार लेना, जाना तो गाड़ी को पैर ब्रेक पे बनाओ, एक बार सुरक्षा के लिए। जैसे ट्रक निकल जाएगा 20-50 कदम पीछे, तब हमने रेस बढ़ा लेना है। हम उसके पीछे आ गए 20-50 कदम, बनाए रखो रेस, हाथ हल्का रखो, आगे वाली गाड़ी से दूरी मेंटेन करके चलना है, अपने कंट्रोल की रेस लेना है, हाथ हल्का रखना है, बैलेंस अच्छा बनाना है, और तीनों मिनट देख के अपने आप को अलर्ट रहना है। अलर्ट रहेंगे तभी आप राशन कार्ड में, भामाशाह कार्ड में, पासपोर्ट में, वीजा में, सीएच में, सब में बने रहेंगे। और थोड़ा सा लूज हुआ तो बंदा अखबार में, हाथों हाथ ब्रेक छोड़ो फिर रेस ले लो। तो हमने यहाँ क्या किया, पहले स्लो किया, क्या किया, तो गियर हमें नहीं लगा डाउन करने की जरूरत, तो हमने हाथों हाथ रेस लेकर उठा लिया गाड़ी को। आगे चढ़ाई आ रही है, यहाँ पे क्या करना है, गाड़ी लेफ्ट लेफ्ट रखना है, क्योंकि हमें नहीं पता आगे से कितनी गाड़ी आ रही है। बना रखो रेस। तो चढ़ाई पे आपने ध्यान क्या रखना है कि गाड़ी आपकी रोड के लेफ्ट लेफ्ट रहेगी। रेस बना रखो और सीधा सीधा चलते रहो। गुड, आगे से भी एक बोलेरो आ रही है, पीछे भी है, अब अपने लेफ्ट में छोड़ो। तो साइड आप अच्छे से कवर करके रखेंगे तो कोई आपसे नहीं टकराएगा। गाड़ी ओवरटेक कर रही है, फिर स्लो कर लो और फिर रेस बढ़ा लो और सीधा सीधा चलते रहो। बहुत बढ़िया, लगातार गाड़ी आ रही है, हमने लेफ्ट लेफ्ट चलना है, बढ़िया, बनाए रखो रेस। चलिए, तो आगे वाली गाड़ी को कवर करके रखना है, अपनी साइड दबा के रखना है, मौका मिलेगा तो ओवरटेक करना है, मौका नहीं मिलेगा तो ओवरटेक नहीं करना है। ट्रैक्टर का मौका नहीं मिला तो आगे ट्रैक्टर आ रहा है, तो हम इस गाड़ी को कवर करके चलते रहेंगे। दूरी मेंटेन रखो, आगे वाली गाड़ी आपको सुरक्षित पहुंचा देगी जहां पहुंचना चाहते हो। स्पेस देखेंगे, राइट में देखो, कोई नहीं है तो ओवरटेक कर सकते हैं, कोई है क्या, बाइक वाला, तेज करो, इसको तेज करके ओवरटेक करते हैं, और तेज करो, फिर धीरे धीरे लेफ्ट आ जाएंगे। बनाए रखो रेस, रेस कम नहीं करते, ओवरटेक करके हम क्या करते हैं, उसी रेस को बनाए रखते हैं, तो जिससे कि पीछे वाली गाड़ी हमारी गाड़ी का ना टकराए। लेफ्ट लेफ्ट रखेंगे, इसी रेस को बनाए रखो। रेस
बना के हाथ हल्का रखते हुए, ठीक है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर। और पहला दिन याद है? हाँ पहला दिन तो ऐसे डर डर के। चलिए, और आज अपने गाड़ी अपने चलाना स्टार्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। यस सर। कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बनता जाएगा वैसे वैसे आपने काम करना है। बहुत बढ़िया, चलते रहिए, स्पीड भी अच्छी आ रही है। बाइक वाला रॉन्ग आ रहा है। चलिए, वो निकल गया, फिर हम अपनी रेस बनाए रखेंगे। बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, स्लो करेंगे, हल्का सा जाने देंगे, डिवाइडर नहीं छोड़ना, फिर रेस उठा लो। डिवाइडर पे हम स्लो कर लेंगे, उस जगह जगह छोड़ के लेफ्ट राइट नहीं नाचते। बहुत अच्छा, गुड। तो ये इस गाड़ी का टॉप गियर, आपने पांचवा गियर आपकी गाड़ी में, तो आपने क्या करना है, न्यूट्रल करना है, राइड करना है, 50 गियर पांचवा गियर लगता है, तो वहाँ तक भी आपने जाना नहीं है, अभी तो आपने फर्स्ट सेकंड गियर पे काम करना है, ठीक है। और रोज चलाते रहो जैसे आज का सरप्राइज दिया है। यस।